ये बाबा चिकन बन के तो मजा ही आ गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स अजय चिकन लाइफ। बोले तो यार आजा, मैं एकदम चिकन बने हैं दोस्तों। और यार कसम से बोल रहा हूँ, कितना अजीब लग रहा है। तो चलो सबसे पहले हमें अपने लिए एक घोंसला बनाना होगा ताकि उसके अंदर हम अंडा दे पाए। ओए घोंसला होगी, चलो उसके लिए क्या कलेक्ट करना होगा? भैया सबसे पहले तो खाना खाना होगा इस घास पास से। खाएंगे और तभी तो अंडा दे पाएंगे ना। हाँ भाइयों, लेकिन यार घोंसला बनाने से कुछ नहीं होगा, अपना घर भी तो होना चाहिए। ओए चलो उसके लिए एक जमीन ले लेते। हाँ ये परफेक्ट रहेगा, अब से तो ये जगह हमारी। ओए कोई घुसपैठिया आएगा तो तोड़ फोड़ के रख दूंगा। अरे होगी इधर कोई और चिकन हो गए या फिर नहीं? है भैया और चिकन भी इधर है, ये एक फार्म है और इधर सभी के सभी चिकन अपने घर बनाने में लगे हुए। बाबर सबसे सुंदर घर हम ही बनाएंगे। और जो हमारे इलाके में आएगा ना फोड़ के रख दूंगा। अरे अंडा भाइयो है, हम अंडा देने वाले हैं। ओए हमारी पहली अंडा। ये बाबर चलो इधर एकदम अपना अंडा दे देते, लेकिन ये सेफ तो है ना। अरे ये अपनी ही जगह है, अपने जगह में कौन आएगा घुसपैठिया करने के लिए, फोड़ के रख दूंगा मैं। और इधर जैक द फौजी भी जो है। ओके तो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो इधर ही अंडा दे देता हूँ। ये बाबर अंडा तो घोंसले में देते ना, ये हमने जमीन में क्यों दे दिया? क्योंकि हमारे पास घोंसला ही नहीं है तो। अरे तो घोंसला बना दिए ना। है यार उसके लिए लकड़ियाँ लगेंगे। ओए इतना लकड़ियाँ कलेक्ट तो कर लिया ना हमने, चल इधर भी एक लकड़ी उसको भी कलेक्ट कर लिया। देखते हैं अब यार एकदम घोंसला बनाने के लिए क्या लगता है। हाँ तो चलो यार घोंसले को ढूंढते हैं और देखते हैं यार। है यार घोंसले के लिए हमें 10 स्टार चाहिए और 10 लकड़ियाँ बस। यार ये तो हमारे पास है तो घोंसला बनाने का। हाँ यार पहले अंडा हम घोंसले में देते तो कितना अच्छा लगता ना। कोई बात नहीं, अंडा क्या एक बार ही आने वाला है क्या? दूसरी बार तो आएगा ना। हाँ दूसरी बार हम घोंसले में अंडा देंगे ना। ये बाबर तो चलो अब दूसरी बार के लिए खाना भी तो खाना होगा अंडा देने के लिए। चलो अब घास पात खाते हैं। ये कौची चिकन है इसकी इतनी मजा ये ले। ओए आगे आता तो फोड़ दूंगा। ओए आगे मत आइयो। हाँ हमको पहचान था नहीं तू, हम इधर का डॉन है। ये बाबर तुम लोग ऐसे मत बोलो रे, अभी कोई आके हमारा अंडा ना चुरा ले। अंडा इधर चुराते नहीं, दूसरे का अंडा तोड़ देते, क्योंकि यार अंडा तोड़ने से स्टार मिलता है, इसलिए चलो हमारा अंडा इधर दे देते। ये फिर से आ गया। ये बाबर इसको एक बार मारने से समझ नहीं आया क्या? ओए मैं इसलिए बोल रहा था इसको पहले ही तोड़ देते तो अच्छा होता। अरे इसको छोड़ने का नहीं, इसने हमारे अंडे में क्रैक कर दिया है। अरे ये कहां से आ गए दूसरी मम्मी? अरे इसके पीछे पीछे तो देखो इतने सारे ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। अरे जाओ जाओ इधर से जाओ, हमारे अंडे को डिस्टर्ब मत करो तुम लोग। यार एक अंडा देखो हमारा टूटने वाला है, ये अब हमारा इस वाले अंडे से बच्चा निकलेगा या फिर नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन यार अब कोई आएगा तो मैं फोड़ डालूंगा। और दोस्तों यार अब ये बस बहुत हो गया, हमें जल्दी से यार अपने लिए घर बनाना होगा और यार पूरी तरीके से फेंस वेंस लगाना होगा अपने इलाके में। ओए जल्दी जल्दी करते, चलो एक एक करके लगा देते। हाँ यार जल्दी जल्दी से खरीदा होगा क्योंकि घुसपैठिए लोग बहुत आ चुके हैं। अगर उस अंडे से बच्चा नहीं निकला तो छोड़ूंगा नहीं। ये बाबर ये तो फिर से आ गया है यार, ये तो हमारा एक अंडा भी तोड़ दिया। ये ले अब आएगा फिर से आ जाते ही तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो मर गया और ये फिर से एक और आ गया भैया। ओए ये भी अंडा तोड़ने वाला है। अरे एक ही बच्चा है, अरे इसको तो छोड़ दे तोड़ दिया। ये बाबर अब हमारे पास एक भी अंडा नहीं है, हमारा बच्चे कहाँ से आएंगे? यार ये घोंसले में अंडा देना ये एकदम बेकार सा आइडिया था, जब तक हमारे पास अपना घर नहीं होता ना तब तक हम यार झाड़ी में अंडा देंगे दोस्तों, समझ गए ना? ये बाबर समझ गए रे। चलो अब इतना ज्यादा लकड़ी कलेक्ट करेंगे ना जिससे हम अपना घर बना पाए। अब फिर से कौन अंडा आ रहा है और इसको घोंसले में नहीं दे सकते? हाँ क्योंकि अंडा तो घोंसले में तोड़ देते हैं ये नल्ले लोग। ये बाबर तो इस अंडे को दे तो दे किधर? अरे चलो एक झाड़ी में दे देते। अरे चलो इसके अंदर दे देते, कोई देख तो नहीं रहा है ना? है कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। चलो दे दिया। ओए चलो इधर से दो दो ग्यारह हो जाते हैं। हाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उधर अंडा रखा है। और चलो अब लकड़ी वकड़ी कलेक्ट कर लिया, अब अपना घर बनाएंगे, उसके बाद अपने घर के अंदर अंडा देंगे। अरे बाबा उसके बाद देखते किसका तोड़ने का हिम्मत होगा। तो दोस्तों फाइनली हमने इतना लकड़ी कलेक्ट कर लिया कि हम अपना घर ले सकते हैं। तो इसको इधर रख देते भाइयों, क्या कहते हो? ये बाबर ये केयर पूछ पर रख दे रहे। ओए हमारा घर नया घर। ओए देखो तो हम फाइनली इसके अंदर अंडा दे सकते हैं। ये बाबर लेकिन पहले इसके अंदर भी घोंसला लगाना होगा। अरे तो लगाएंगे ना, रुको पहले इसके अंदर लेकिन दरवाजा लगाना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार ये घुसपैठिए दूसरे चिकन बहुत आते हैं हमारे अंडा चुराने के लिए, लेकिन अब से नहीं। हाँ क्योंकि बस अब इधर एंट्री मिलेगा तो बस हमको ही। हाँ, अब ये हमारा पर्सनल अंडा देने वाला जगह हो गया। चलो अब इधर एक घोंसला लगा देते। अरे सोच के कितना मजा आ रहा है, अब हमें झाड़ियों में जाके छुप छुप के अंडा नहीं देना पड़ेगा। हाँ यार कैसा दिन था हमारा, झाड़ियों में जाके छुप छुप के अंडा देना पड़ता था, लेकिन अब से नहीं, अब तो इधर बैठ के आराम से अंडा देंगे और कोई हमारा अंडे को चुरा भी नहीं पाएगा। चिकन इधर से हटो तुम सभी के सभी, किसी को भी हमारे इलाके में आने का आप यार एकदम परमिशन नहीं है। हाँ कोई आएगा तो फोड़ के रख दूंगा। ये बिल्कुल अब इधर हमारा एक अंडा है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ तो चलो यार छुप के देखते हैं हमारा बस से एक आखिरी अंडा कितना प्यारा है। चलो यार इधर से चलते हैं। हाँ नहीं तो दूसरे चिकन को शक हो जाएगा और वो लोग तोड़ देंगे हमारे अंडे को। अरे अब हमारा दूसरा अंडा भी हो गया भाई। चलो 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 जल्दी से जाके यार अपने घर के अंदर देते। हमारा पहला अंडा वो भी अपने घर के अंदर है, कितना मजा आएगा। अब चलो इसके अंदर दे देते हैं। चलो दे दिया। The next day हमने बहुत सारे अंडे दे दिया है और यार हम वो अंडे से बच्चा निकले उससे पहले यार हमें अपना घर का सभी काम खत्म करना होगा। ओए हर इन घुसपैठिया का करे क्या, ये लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। ये बिल्कुल रही इतना मारा फिर भी इन लोग को समझ नहीं आता यार। हाँ यार ये लोग दूसरे के घर में आकर भले अंडा क्यों देते हैं, अब घर को पूरी तरीके से फेंस से कवर करना ही होगा, वो भी हमारे बच्चे निकलने से पहले, नहीं तो यार हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। वही तो बाबा, उनके पास तो घर भी नहीं है, अगर हमारे बच्चे उनके साथ लग गए तो क्या होगा। ऐसा होने नहीं देंगे, हम अपने बच्चे को किसी के साथ लगने नहीं देंगे, हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे। हर बच्चे के लिए चलो यार घर के अंदर टॉर्च भी तो लगाना है, बस आइडिया होगी, बच्चे लोग टॉर्च से और जल्दी एकदम अंडे से बाहर निकल जाएंगे। हाँ और यार कीड़े मकोड़े से भी उन लोग को दूर रखेगा ये टॉर्च। ये बिल्कुल, चलो थोड़ी सी गर्म भी कर देते हैं अपने अंडे को ताकि ये लोग जल्दी जल्दी से यार एकदम बाहर निकल जाए। हाँ बस अब इतना गर्म काफी है, हमें बाहर जाके और काम भी तो करना है। अरे बाबा बाहर तो एकदम अंधेरा हो चुका है। ये देखो घुसपैठिए लोग लोग का क्या करे रे। हाँ यार अरे ये क्या है, ये बाबा रे ये क्या है, हमारा एक खंडे से बच्चा निकल चुका है। ये तो हमारा वो झाड़ी वाला बच्चा है, लेकिन अब इसको यार हमारे घर के अंदर लेके तो जाए कैसे। ओ तेरे क्या करे। The next day नहीं यार इसको अंदर लेके जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये बिल्कुल रे इतना ट्राई किया, देखो हम अंदर बाहर कर सकते हैं लेकिन ये नहीं, क्योंकि हम फेंस लगाते वक्त एक यार दरवाजा भी लगाना भूल गए, इसीलिए ये सब हो गया। ऊपर से आ जाता तो बच्चा कितना अच्छा होता है, लेकिन ये सब हुआ है ये घुसपैठियों की वजह से। इनकी वजह से हमें जल्दी जल्दी से फेंस लगाना पड़ा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल रे बहुत हो गया, दूसरे का अंडा हमारे इलाके में। अब तो सभी के सभी तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे। ओए घुसपैठिए लोग सॉरी, आप नहीं छोड़ेंगे हम तुम लोग को। हाँ, ये बस बहुत हो गया, तुम लोगों की वजह से हम यार अपने बच्चे को घर के अंदर भी लेके आ नहीं पाए। ये बिल्कुल है, वो भी अपने बच्चे को। हाँ, और ये देखो ये घुसपैठिए, जल्दी से इधर से भागता या फिर तुझे मैं मार दूँ। ये बाबा रे भागते जल्दी से, इतना गुस्सा चढ़ा दिया इन घुसपैठिए लोग ने, घुसपैठिए किसी को छोड़ेंगे नहीं अब। ओए चलो खत्म हो गया, पर इसका बच्चा एक रह गया इधर। चलो यार अब इन बातों को हम याद करते रहेंगे तो हम यार अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। चलो भाइयों इसी के साथ अब अपना दूसरा घर बनाते हैं। बिल्कुल दूसरा घर तो जरूरी है, पहले वाले घर में तो पूरा अंडा भर चुका है। अरे उधर से बच्चा निकला तो रखेंगे किधर। हाँ इसीलिए तो दूसरा घर बनाया भैया, जो भी करना जल्दी से कर रहे, एक अंडा आने वाले है। रुको घोंसला लगाते पहले। ये बाप रे जल्दी से लगा रहे, अंडा आ चुका है। अरे बस अब इधर, हाँ इधर अंडा दे देगा। तो चलो हमारा दूसरा नया घर का भी शुरुआत हो चुका है, हम जल्दी से इधर भी यार दरवाजा लगा ही देते हैं, क्योंकि यार तुम लोग को तो पता ही है ना इधर के घुसपैठिए लोग। ये बावरे अरे ये घुसपैठिए लोग यार दूसरे इलाके में आके यार अपना अंडा दे देते हैं। हाँ, इनको यार अपने बच्चों का तो परवाह नहीं है और यार दूसरे के बच्चे को भी यार मार देते हैं। बच्चों से याद आया हमारा बच्चा किधर है। ये बावरे किधर चले गए वो कालिया है, इधर तो दो दो हो चुके हैं। अरे हमारा दूसरा बच्चा भी, ओए हमने दूसरा झाड़ियों में जो बच्चा लिया था उससे भी दूसरा निकल गया। ये बाबा रे देखो दो दो गए। ओए ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये ग्रीन वाला ओए मेरी तरह। अरे यार अब मेरी तरह भी निकल जाता तो कितना अच्छा होता। हे यार दो दो बच्चे हो चुके हैं, मुझे इससे ज्यादा यार और कुछ भी नहीं चाहिए। और इधर से भी बच्चे निकलने वाले हैं, ये हमारा पहला वाला घर था, चलो यार दूसरे वाले घर में एक और इसका भाई को भी इधर जन्म दे देते हैं। ये बाबा रे लेकिन हमारे ये बाहर वाले बच्चे अगर घर के अंदर आ पाते तो कितना अच्छा होता।
है ना? वो तो है यार मोटू, लेकिन अब क्या ही कर सकते है यार, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बस अब चलो यार, इस वाले घर में भी हमारे दो अंडे के लिए इधर टॉर्च लगा देते हैं, और बाकी यार अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। बस अब इंतजार कर सकते हैं हमारे बाकी अंडे से बच्चे निकलेगा। हाँ, वो भी एकदम हमारे घर के अंदर होंगे। ये पापरे, और बाहर वाले बच्चे का क्या करेंगे? लगता है भाइयों, अब हमें यार बाहर दूसरे आइलैंड में जाके एक प्लॉट खरीदना होगा, ताकि हम उधर अपने एकदम दूसरा घर बना पाए। क्या कहते हो? अरे मस्त आइडिया है, तो चलो यार चलते हैं बाहर। ये पापरे, पहले रुक जा, इधर थोड़ी सी गर्म होने देना इन अंडे लोग को। ओके तो चलो अब चलते। लेकिन नल्ले लोग, नया प्लॉट मिलेगा किधर? वो मुझे पता है भैया, इस पोर्टल के अंदर। पोर्टल के अंदर? अरे सच में क्या है यार? बिल्कुल, देखिए पूछ पूछ, चलो ना पहले जाके देखते हैं। अरे तो आगे, अरे हमारे बच्चे भी आ गए। हमारे वो तो आएंगे ना हमारे पीछे पीछे, उनके लिए तो हम यार इधर घर देख रहे हैं। लेकिन हमारा प्लॉट कौन सा है? यार इधर से हमें अपना प्लॉट खुद ही खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अभी हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि तीन बच्चे हो चुके हैं। इधर से चलो पहले। हमारे तीन बच्चे इतनी जल्दी कैसे हो गए? हमारे उस घोंसले से बाहर नहीं निकल गए ना बच्चे? यार एक बार जाके देखना होगा यार। यार बच्चे लोग, तुम लोग इधर ही बैठो। मतलब कि दो दो ग्रीन हो चुके हैं, मतलब कि मैं दो दो का डैडी हो चुका हूँ। अरे चुप कर, वो हमारे भी बच्चे। अरे इधर तो चार ही है। अरे मतलब कि यार ये बच्चे भी हमने झाड़ियों में जो दिए थे ना, उधर से ही निकले। या बाबा रे, मतलब कि हम तीन तीन बच्चे के बाप बन चुके है यार। हम इन तीन बच्चे के लिए अभी जैसे भी करके यार घर तो बना रही होगा। और दोस्तों यार, क्या लगता है हम लोग नया पोर्टल में जाके नया घर बना पाएंगे या फिर नहीं? उसके लिए नीचे कमेंट कर देना। जितना ज्यादा कमेंट पार्ट टू के लिए, उतना ही जल्दी पार्ट टू आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं पार्ट टू में।